Hello students, a very good morning to you all. This is the fourth part of our chapter, movement and breathing of animals. Okay, so before proceeding to the next part of this chapter, let's have a quick revision of the previous thing which we have learned. So we have seen the movement in animals, the limbs, kinds of limbs used by the animals, terrestrial animals, water animals. Okay, and then we were studying about the breathings in animals. In the previous videos, we have seen how land animals breathe through their lungs and water animals utilizes their gills for breathing. Tadpole breathes through its gills in water and an adult frog breathes through its lungs on land and through its moist skin in water. So, till that part we have already studied. Okay, now open your book. Page number 29. We have studied about the nostrils or the blowhole found in the whales and dolphins, which are mammals. Okay. Now coming on to the nose section. Sea turtles breathe through lungs. यहाँ पे हम देखेंगे जो sea turtles होते हैं, it's an species of tortoise. They breathe through their lungs. So they have to come to the surface for breathing. क्योंकि वो lungs से breathe करते हैं और इसके लिए उन्हें surface पे सतह पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए. दे कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर मंथ्स टुगेदर और वो कई महीनों तक अपने ब्रेथ को वो कुछ देर तक रोक करके रख सकते हैं. अ फिश इम्पर्सोनेटर वेल इज एक्चुअली अ मैमल. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पर्सोनेटर, ये क्या होता है, इट्स इम्पर्सोनेट्स अ पर्सन, मीन्स किसी पर्सन को की तरह, जैसे फिश की तरह ये दिखने वाला जो वेल होती है इज एक्चुअली अ मैमल. ये हमें दिखती है फिश, हमें देखे हैं कि या इट्स अ फिश, पूरा दिखने में इट्स इम्पर्सोनेट्स अ फिश बट इट्स अ मैमल. इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कमिंग ऑन टू द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरिकल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडीज में होल्स होते हैं और इन होल्स को हम स्पाइरिकल्स कहते हैं. इनके पास लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है. देयर बॉडीज हैव होल्स एंड विच इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ, जो कि उनको सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. They have a network of air tubes called trachea which run across the whole body. इनके जो body होता है उनके अंदर उसमें air tubes पाए जाते हैं. जैसे हमारा विंड पाइप होता है वैसा ही इनके कई एयर ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ट्रैकिया बोलते हैं. एंड दिस रन अक्रॉस द होल बॉडी, ये उनके सभी बॉडी में पाया जाता है. एयर पासेस थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. और ये जो एयर होते हैं वो इन्हीं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जितने भी ये ट्रैकिया होते हैं उसके वजह से, उसकी हेल्प से इंसेक्ट्स के सभी बॉडी में पास होते हैं. यू कैन सी द पिक्चर स्पाइरिकल्स इन इंसेक्ट. ओके, सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया. मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो जस्ट when it is asked about the holes on their bodies which help them to breathe, that is spiracles. And where the air tubes, जो air tubes होते हैं, air tubes जो pipe की तरह होते हैं, trachea उनको हम बोलते हैं, ठीक है. So ये आपको याद रखना है, holes that is called spiracles and the air tubes are called trachea. Now next is your reptiles. Reptiles you all know क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, दे क्रॉल ऑन लैंड. ओके, तो रेप्टाइल्स हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ. यहाँ हम जब रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, दे हैव लंग्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. कभी कभी कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्वेटिक भी होते हैं, बट स्टिल दिस रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मूवमेंट्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्स, फोर लिम्स and hind limbs. Okay, aquatic animals, they have webbed feet to swim. Fishes have fins. Okay, coming on to the organs for breathing, we have already discussed kar chuke hain. Land animals breathe through their lungs, aquatic animals breathe through their gills, and insects they breathe through their spiracles and with the help of trachea. That's all for this chapter. Okay, revise the chapter. Now when we move on to the exercises, the glossary part is your word meaning. Okay,
and the next is your give one word answer for the following. So let's see, this helps duck to move in water. Duck जो एक aquatic bird है, aquatic animal है, क्या help करता है उसको move करने में water में? Yes, the correct answer is their webbed feet. This body part helps a rabbit to run. रैबिट को रन करने में क्या हेल्प करता है? देयर पैडेड टोज, जो पैडेड टोज होती हैं वो उनको रन करने में हेल्प करती हैं. एंड ऑक्टोपस मूव्स विद इट्स हेल्प, किसकी हेल्प से ऑक्टोपस मूव्स करते हैं? दे मूव्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेंटिकल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, होल्स ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स. अभी हमने पढ़ा है उन होल्स को हम क्या कहते हैं जो इंसेक्ट्स की बॉडीज में होते हैं? स्पाइरिकल्स. वेरी गुड. Reptiles that do not have limbs. Name the reptiles that do not have limbs. Do you remember that? Yes, that the correct answer. Snake. Okay. Snake is the reptile that does not have limbs. और वो अपने belly portion से crawl करते हुए move करता है. That's all for this video. In the next video, we will do the subjective type.